Hi guys, you're watching Nupur Bansal on Divine Life Tarot. Welcome to my channel and I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे. मेरी सन साइंस के जो गाइडेंस है उस सीरीज़ के अंदर ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है जहां हम लोग सन साइन के लिए बात करेंगे लिब्रास की. आई नो मैं बहुत टाइम लगा दिया मैंने वीडियोज़ लाने में. बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैम हमारे तो सन साइन का नंबर ही नहीं आया, आपने तो सीरीज स्टार्ट करी एंड इट वॉज लाइक 4-5 days अगो एंड यू वर नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो. आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, आई एम सो सॉरी बट आई वॉज बिजी इन द सेशंस एंड आई डिडंट गेट एनी स्पेयर टाइम टू मेक एनी वीडियोज, बट आई प्रोमिस द वीडियोज वुड बी ऑन टाइम इन फ्यूचर. सो प्लीज प्लीज फॉरगिव मी. मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पोस्ट द लिंक, क्योंकि मेरे आगे के कुछ लाइव सेशंस जहाँ पे आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो वो इंस्टाग्राम पे होंगे, तो यू विल हैव टू गो देयर. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना. अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ कर दो. आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है. हो सकता है आपके किसी लव्ड वन का सनसाइन यही हो, तो मेरे ऑल मतलब जितने भी सनसाइंस हैं आई एम पोस्टिंग द वीडियोस की अक्टूबर 2020 में हर सनसाइन के लिए क्या गाइडेंस है. साइकिक टैरो से और साई बाबा कार्ड से भी हम लोग देख रहे हैं, तो दो डेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ इन सीरीज़ के अंदर एंड वील गेट आउट द कार्ड्स फॉर लिब्रा टू. तो गाइज जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को एंड तक देखना है. आपने अच्छा लगे रीडिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आज हम बात कर रहे हैं लिब्रास की. तो जिनका बर्थडे 23rd ऑफ सेप्टेम्बर से लेके 22nd ऑफ अक्टूबर के बीच में आता है दे आर द लिब्रास. अगर आप लोगों का बर्थडे 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में आता है देन आपका सन साइन हुआ लिब्रा. और लिब्रास के लिए आज हम गाइडेंस देखेंगे. तो पहले हम जो डेक यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द साइकिक टैरो और साथ में साई बाबा कार्ड से हम लोग गाइडेंस निकालेंगे लिब्रास के लिए. तो चलिए टाइम ना जाहिर करते हुए हम लोग फटाफट से रीडिंग्स निकालते हैं. तो लिब्रास के लिए 2020 अक्टूबर में क्या गाइडेंस रहेगी ये देखते हैं. चलिए सो लिब्रास के लिए गाइडेंस फॉर अक्टूबर 2020. शेयर द लव, ये कार्ड आया है लिब्रास के लिए. ध्यान से देखिए इस कार्ड को. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि जो लोग भी लिब्रा इनका सनसाइन है और इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, आप लोग इतना अपने करियर को लेके इतना ज्यादा आप लोग टेंशन में आ गए हो या अपने करियर को ही अपना इतना सब कुछ बना लिया है कि आप शायद प्यार मोहब्बत भूल गए हैं, पर्सनल लव भूल गए हैं, सेल्फ लव भूल गए हैं, अपनों से प्यार करना भूल गए हैं. जो लोग ऑब्वियसली रिलेशनशिप में हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही, पहले मैं उनके पास आ रही हूँ जो करियर को लेके इतना परेशान रहते हैं कि वो अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं. अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द लिब्रास, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कई बार जनरल गाइडेंस है, कईयों के साथ करेगा कईयों के साथ नहीं करेगा. तो जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है वो रख लीजिएगा, जिनके साथ नहीं कर रहा वो छोड़ दीजिएगा. लिब्रास आप करियर को लेके इतना ज़्यादा बायस्ड हो गए हो कि पर्सनल लाइफ पर्सनल लव को भूलते चले जा रहे हो. आपके लिए गाइडेंस आई है अक्टूबर 2020 में शेयर द लव. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अभी तक आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है आपके लिए भी यही मैसेज है लिब्रास, शेयर द लव. प्यार को एक्सप्रेस करना सीखिए, प्यार को जितना शेयर करोगे एक्सप्रेस करोगे वो उतना ही बढ़ जाएगा. अंदर दिल में लेके क्या करोगे आप प्यार को, प्यार है इतनी प्यारी चीज़ है वो तो बोली जाती नहीं है. लड़ाई झगड़े करा लो जितने मर्जी, हम लड़ाई कितनी ओपनली कर लेते हैं ना बिना कितने कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन जब प्यार की बातें आती हैं करने के लिए तो हम लोगों को हेजिटेशन फील होने लग जाता है. आई फील कि कुछ लिब्रास जो इस टाइम देख रहे हैं वो बहुत हेजिटेट है, मतलब एक्सप्रेसिव तो आप लोग नहीं हो, प्यार तो आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हो. प्यार एक्सप्रेस करिए, जब प्यार एक्सप्रेस करेंगे कहीं ना कहीं करियर को लेके, हेल्थ को लेके, फाइनेंशियली कोई भी आपको पेन होगा जब आप प्यार बांटोगे ना, क्योंकि जब हमारे अपनों का साथ होता है हमारे साथ
तो शायद पैसे की या करियर की टेंशन इतनी ज़्यादा नुकसान, मतलब हमें इतना फील नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ प्यार होता है। प्यार एक लव एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को हील कर सकती है। तो अगर आपके अंदर इतना सारा प्यार भरा हुआ है, थोड़ा सा करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सारी चीज़ों को साइड रख के सिर्फ प्यार पे ध्यान दीजिए, अपनों को, माँ बाप को, जो लोग कहते हैं हम सिंगल हैं, हमारा तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है नहीं, हमारी लाइफ में तो कोई प्यार वाला सिनारियो नहीं है, अपने माँ बाप को प्यार दीजिए, आपके लिए गाइडेंस है। हो सकता है आप में से कुछ के पेरेंट्स इस टाइम बीमार हों, तो इलाज से ज़्यादा उन्हें प्यार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइज, अपनों को प्यार दीजिए। आप जो लीब्राज हैं उनके लिए यही एडवाइस है अक्टूबर 2020 के लिए, शेयर द लव। जितना ज़्यादा प्यार बांटोगे, हो सकता है कईयों के साथ आपका झगड़ा हुआ हुआ हो, अपनों के साथ हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, और हम लोग शायद, हो सकता है आप लोग वेट कर रहे हो कि वो आके माफ़ी मांगे, या वो आके हमसे बात करे, या उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। बट कई बार क्या होता है, प्यार के मामले में हम लोगों को झुकना पड़ता है। जब हमें प्यार चाहिए होता है तो इनिशिएटिव हम ले लेते हैं, क्या पता सामने वाला भी वेट कर रहा हो। तो लीब्रास, आपके लिए तो यही गाइडेंस है। मुझे पता है लीब्रास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत मेंटली उनको बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है जो लीब्रास होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यही है कि ठीक है, दिल दिमाग थोड़ा सा हर्ट जल्दी हो जाता है आपका, दिल जल्दी दुख जाता है, बट कोई बात नहीं, दिल दुखा, हमारा कोई दिल तब दुखा सकता है ना जब हम उसे प्यार करते हैं। हम उसे प्यार ही नहीं करते, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्यार करते हैं तभी तो फर्क पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आज आप अपने इस अक्टूबर में लीब्रास, आपने प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, अगर मोहब्बत वाली चीज़ नहीं है तो फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को आपके प्यार की ज़रूरत है। फैमिली में आपके बहुत बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको आपके प्यार की ज़रूरत है, तो वो बांटिए। चलिए साईं बाबा गाइडेंसेस से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया। दो दो कार्ड्स आए हैं लीब्रा, मुझे लग रहा है लीब्रास की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। लीब्रास के लिए पहला कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन का, हेल्प इज एट हैंड, बाबा अपियर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज। ज़रूरी नहीं है साईं बाबा आपकी लाइफ में, साईनाथ महाराज बनकर ही आएंगे आपकी हेल्प करने। जो साईनाथ, मतलब साईं बाबा है ना, वो अपने डिवोटीज की पता कैसे हेल्प करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में आ जाते हैं, किसी भी इंसान के रूप में आ जाते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी के रूप में आ जाते हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि लीब्रास अक्टूबर 2020 में हो सकता है बाबा आपको किसी ना किसी फॉर्म में ब्लेस ज़रूर करें, उस ब्लेसिंग को काउंट करिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगी। और दूसरा कार्ड कंपैशन का आया है, अभी शेयर द लव का कार्ड था, अब कंपैशन का कार्ड आया है, ठीक है। हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। देखिए लीब्रास बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड आया है बाबा के कार्ड से भी आपके लिए, कि उनकी हेल्प करिए जिनकी किस्मत शायद आपके जितनी अच्छी नहीं है, या वो आपके जितने खुश नहीं हैं, जिनको आपके प्यार की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, उनकी केयर भी कीजिए और उनसे प्यार भी कीजिए, उनकी हेल्प भी कीजिए। तो देखिए शेयर द लव कंपैशन कितना रेजोनेट किया है, शायद कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है लीब्राज आपके। खैर कनेक्शन तो हम सबके ही बहुत स्ट्रांग है, किसी ना किसी फॉर्म में हमें गाइडेंस मिली जाती है। तो ये थी लीब्राज के लिए रीडिंग, आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आए, रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टे ट्यून्ड, इंस्टाग्राम पे लाइक करना, फॉलो करना मत भूलना, मेरे लाइव सेशन अब वहीं होंगे। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, प्लीज़ डू दैट। और आई विल कम वेरी सून विद ऑल द वीडियोज़, आई मीन मोर वीडियोज़। और बाकी के सन साइंस के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।